बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने नामांकन पत्र के साथ जोड़ी एफिडेविट में पहली बार कबूल किया कि जशोदाबेन उनकी पत्नी है। कांग्रेस ने मोदी के कबूलनामे को तुरंत लपक लिया और कहा कि मोदी पीएम बनने के लालच में अब रिश्तों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। ये पहला मौका है जब मोदी ने अपने शादीशुदा होने की बात कबूल की है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वे एफिडेविट में पत्नी के बारे में जानकारी देने वाले कॉलम को खाली छोड़ देते थे। हालांकि पत्नी के नाम से संपत्ति की घोषणा किए जाने वाले कॉलम में मोदी ने लिखा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनकी पत्नी के पास क्या संपत्ति है और है भी या नहीं। वडोदरा के जिला चुनाव अधिकारी ने रात को इस हलफनामे को कलेक्ट्रेट के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया है। शादीशुदा है नरेंद्र मोदी। 1968 में हुई मोदी की शादी। शादी के समय 19 साल के थे मोदी। 17 साल की जशोदा से हुई थी शादी। वड़नगर के ब्राह्मणवाड़ा गांव में हुई थी शादी। जशोदाबेन चिमनभाई मोदी हैं नरेंद्र मोदी की पत्नी। भले ही मोदी के राजनीतिक विरोधियों को उन पर हमले का मौका मिल गया हो, पर उनकी पत्नी जशोदाबेन इन सब बातों से दूर मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए नंगे पांव रहकर व्रत कर रही हैं। फिलहाल जशोदाबेन चारधाम की यात्रा पर गई हैं। रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं जशोदाबेन। जशोदाबेन के पिता भी थे टीचर। चार संतानों में सबसे बड़ी हैं जशोदाबेन। जशोदाबेन से छोटे भाई अशोक मोदी, सरोज बेन और कमलेश मोदी। शादी के बाद 3 महीने ही साथ रहे मोदी और जशोदाबेन। इसके बाद मोदी ने घर छोड़कर आरएसएस ज्वाइन कर ली। शादी के बाद से ही अकेली रह रही जशोदाबेन सुहागन की तरह ही रहती हैं और अखबारों चैनलों में मोदी से जुड़ी खबरों को चाव से देखती हैं। जशोदाबेन मोदी की बुराई सुनना पसंद नहीं करती। बहरहाल अब तक जशोदाबेन से अपने रिश्तों को लेकर खामोश रहे मोदी के इस खुलासे के बाद अब उनका विरोधियों के घेरे में आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।